हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो है संडे का, और संडे ब्लॉग्स मेरी थोड़ी सी खास रहती है। और मेरी व्यूअर्स को, मेरे को ऐसा लगता है कि संडे ब्लॉग की बहुत इंतज़ार रहती है, तो मैं संडे ब्लॉग बनाना कभी नहीं भूलती हूँ। तो ये था संडे। संडे के शाम का टाइम है, 5 बज रहा था, फिर भी धूप बहुत था। तो दोपहर को मैं थोड़ा सा काम से गई थी, तो वाटरमेलन लेके आई थी, हस्बैंड ले आए थे, तो वही मैं अभी सबको काट के दे रही हूँ। रात को ज़्यादा नहीं खाते फ्रूट्स, बट 5 ही बजा था तो मैंने सबको सर्व कर दी थी। तो अभी गर्मियाँ तो शुरू हो गई है, यही सब ज़्यादा खाना होगा, खाना पीना तो नहीं होगा इतना सारा, बस फ्रूट्स और शरबत लस्सी यही सब पिया जाएगा। तो वाटरमेलन हम लोग अभी खा रहे थे, बहुत मीठा था। उसके बाद ये था 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था ये, और मेरे घर में सबको छोटी मोटी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्गर। तो ये फ्रोज़न है, मतलब मॉल में इजीली अवेलेबल रहती है, कोई भी सुपरमार्केट में। तो ये हम लेके रख लेते हैं। मुझे बर्गर ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को बर्गर ज़्यादा पसंद है। तो ये था मकेन का आलू टिक्की, जो कि सुपरमार्केट में मिल जाता है, तो मैं ला के रख लेती हूँ फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में। और ये था बर्गर का जो पैटी रहती है ना वो, तो ये दोनों ही ला के रखती हूँ मैं, कभी कभार बना लेती हूँ। तो अभी वही बना रही थी मैं, तो इन लोगों को भूख लग रही थी, तो अभी मुझे बाहर भी जाना है, थोड़ा सा काम है। तो आगे आप देखिएगा वीडियो पे, बने रहिए। तो यहाँ पे मैं बर्गर को थोड़ा सा सेक ली थी ऑयल से, और पैटी बहुत जल्दी बन जाता है, मैक्सिमम 3 मिनट ऐसा लगता है। तो बना ली थी, उसके ऊपर फिर वही प्याज और शिमला मिर्च टमाटर ऐसी डाल दी थी। ऋषभ को खाली बस प्याज डाली थी, और मेरे पास ना मेयो था नहीं, तो मैंने सॉस से ही उसको कोट कर ली थी। तो ये है, देखिए हमारा बर्गर हो गई है तैयार। तो इन लोगों को मैं बर्गर दे दी थी, ये लोग एंजॉय कर रहे थे बर्गर, तो मैं तैयार हो रही थी। थोड़ा सा मुझे बाहर काम है, मतलब इमरजेंसी है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं जा रही थी, क्योंकि मुझे लेने थे ऋषभ के बुक्स, तो इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पे। और मुझे ना तैयार होने में सबसे ज़्यादा बाल बनाने में ही लगता है टाइम। किस किस को बाल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो मैं यहाँ पे बाल बनाने में मुझे करीबन 5 मिनट तो लग ही जाता है, बनता ही नहीं है प्रॉपर। तो मैंने फिर कंघी वगैरह कर ली थी, और यहाँ पर फिर थोड़ा सा टचअप, उसके बाद परफ्यूम, और उसके बाद मैं रिस्ट वॉच लेना कभी नहीं भूलती हूँ, तो रिस्ट वॉच मैंने ले ली थी। उसके बाद हम जा रहे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि ऋषभ की बुक्स लाना है, क्योंकि ऋषभ के स्कूल में बुक्स ना स्कूल से नहीं देते हैं, तो उनका एक बुक स्टोर रहता है, तो वहाँ से वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऋषभ का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो बुक स्टोर में अभी बुक्स आए हुए हैं नए, तो अभी लेने जाना है। तो वही आज संडे है, तो जा रहे हैं। और ना गर्मी बहुत चालू हो गई है, गर्मी बहुत हो रहा है, अभी देखो पंखे में भी रहना नहीं हो रहा, तो इसीलिए मटका लेंगे। और क्योंकि ना मुझे फ्रिज की पानी सूट नहीं करता है, तो इस वजह से मटका लूँगी मैं मटके का ही पीती हूँ, पूरे घर में पीते हैं, क्योंकि किसी को फ्रिज की पानी सूट नहीं करता, इसीलिए जा रहे हैं अभी। मैं एज यूजुअल पहले तैयार हो चुकी हूँ, बाकी कोई नहीं तैयार हुए हैं अभी। पानी आ गया है शाम को, तो मैं पानी भर लेती हूँ, उसके बाद एक हाथ से जग खोलना नहीं है, तो अभी मैं पानी भर लेती हूँ, फिर चलते हैं, क्योंकि फिर ना पानी बंद हो जाएगा, और गर्मी में पानी तो चाहिए ही,
इसीलिए पहले पानी भर लेते हैं। अभी तक हस्बैंड तैयार नहीं हुए हैं, ऋषभ तैयार होके बैठा हुआ है। चलो तो कौन जा रहा? तो अभी फाइनली सब लोग तैयार हो चुके हैं और हम निकल गए हैं बाहर की ओर। और अभी घर पे वही लॉक वगैरह लगा देंगे। मैं पंखा बंद कर रही थी, मैं पहले चेक कर लेती हूँ कहीं क्या स्विच ऑन तो नहीं है, तो लाइट लगा रहता है, बाकी पंखा बंद कर देती हूँ और फिर लॉक लगा के अभी निकलेंगे हम बुक स्टोर की तरफ। तो अभी वही मैं बात कर रही थी ऋषभ से और हम दोनों की वही बात हो रही थी। वो इतनी जल्दी जल्दी कर रहा था, बाहर जाने को बच्चों को बहुत जल्दी रहती है, वो इतनी जल्दी जल्दी कर रहा था कि गलती से मेरी जो चप्पल है ना वो सैंडल वो पहन के वो जा रहा था, इतना भी ध्यान नहीं था उसको। तो मैं उसको वही बोल रही थी और अभी देखिए कितनी जल्दी भाग रहा है वो। और ये व्यू देखिए कितना सुंदर है ना, नेचर हमारी बहुत सुंदर रहती है। तो ये यहाँ पे ना मैं बुक स्टोर तो गए थे, उसके बाद यहाँ पे आए थे, मैं ले रही हूँ मटका। तो कौन कौन इस गर्मी में मटका ले चुके हैं मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मटका ज़रूर से लीजिएगा। देखिए फ्रिज हमारे पास है मैं मानती हूँ, बट फ्रिज का पानी इतना अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए जितना अच्छा मटका होती है, क्योंकि ये नेचर की देन है हमारे लिए। ये नेचर मिट्टी से बनती है और इसका एक रीज़न ये है, हम हर साल जो नए नए मटके लेते हैं ना, तो इससे एक चीज़ अच्छा ये होती है कि जो ये क्ले वाले रहते हैं ना जो बनाते हैं मटके, तो उनका भी हम ना एक तरफ से मदद ही कर देते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना इतना फैशनेबल हो गई है ना, सब लोग फैशन की तरफ भागते हैं, कोई मिट्टी की चीज़ें लेने को नहीं देखता है ना। सब लोग बोलते हैं अरे ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट हमको लेना चाहिए मिट्टी का ना, यूज़ करना चाहिए, तभी इनका कुछ भला होगा है ना। जब गर्मी आती है, नहीं तो दिवाली आती है तभी इनका सेल होता है कोई भी मिट्टी के चीज़ का, नहीं तो बाकी टाइम तो इनका इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो अगर अभी ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देखिए हम लोगों को अच्छा लगे तभी वो इतना सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनाते हैं। पहले तो खाली बस मटका मिलता था, अभी देखिए मटके की डिज़ाइंस देते हैं वो लोग, फिर अभी तो जग्स आ गए हैं। मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगी कितने सुंदर सुंदर चीज़ें ये लोग बनाते हैं हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग जैसे यूज़ करते हैं ना बाहर की चीज़ें, जैसी हो गया स्टील, हो गया फाइबर्स, हो गए बहुत सारी हम लेते हैं क्योंकि वो सुंदर दिखता है करके, तो ये लोग भी हम लोगों के लिए वही बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तो आजकल देखो वाटर बॉटल भी मिट्टी का ये लोग बना लिए हैं, ये देखिए। और घड़े को भी कितना सुंदर बनाते हैं ताकि घर में हम जब रखें तो वो अच्छा दिखे। और यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा फिल्टर जैसा एक मिट्टी का पानी रखने का ये लोगों ने बनाए हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर अभी तो आ गए हैं। पहले तो खाली मटका था, चलो ठीक है खाली मटका है, मतलब ऐसी ही सेप का है, तो हम लोग इतना केयर नहीं कर रहे थे। बाकी आजकल तो इतना सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स आ गए हैं ये लोग बनाते हैं हम लोगों के लिए। तो मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वीडियोस मेरी देखते हैं, तो उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मिट्टी की चीज़ों का यूज़ करिए, कम से कम ये गर्मी में मटका तो ज़रूर से लीजिए। नहीं तो देखिए ये सुंदर सुंदर बॉटल्स भी है, ये सुंदर सुंदर जार्स भी है, और मिट्टी का ना आजकल रोटी का तवा भी आने लग गया है। ये देखिए मैं दिखाऊंगी आपको आगे आगे सब चीज़। ये देखिए मिट्टी की तवा भी है यहाँ पे, और इसमें आप रोटी आराम से बना सकते हैं, और मिट्टी का तो फ़ायदा कितना होता है ये सभी लोगों को पता है, तो आप इसको बना सकते हैं। अब ये मत देखिए कि रेट कितना ज़्यादा है, ये है अब रेट तो वो लगाएंगे ही क्योंकि उनकी सीजनिंग
जैसी सीज़न होती है ना उनका सामान तभी बिकता है, तो फिर उसी हिसाब से, और लोग भी बहुत कम लेते हैं तो उस हिसाब से वो भी सोच रहे होंगे ना कि हाँ एक ही बार में हम कमाई कर ले, तो इसलिए ही रेट ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ पे जग्स कितने सुंदर सुंदर हैं और वाटर बॉटल टाइप्स कितना सुंदर सुंदर है। तो आप लोग ये गर्मी में प्लीज़ मटका तो ज़रूर से लीजिए, ताकि हम जाने अनजाने में इन लोगों का मदद कर सके। और ये देखिए मैंने ये वाला मटका ली, कोई फैंसी नहीं है, मैं सिंपल सा मटका ली और इसमें नल लगाया हुआ है, इसको मैं रात भर रखूँगी, फिर कल सुबह इसको यूज। अभी हाई मेजा स्टोर हुआ है, 8:30 बज गया, तो मैं जिस काम से गई थी वो काम हुआ नहीं। एक्चुअली मैं गई थी ऋषभ के बुक्स लाने के लिए, आपको बताई भी तो थी। तो बुक्स ना, दो बुक स्टोर में बुक्स प्रोवाइड करते हैं इनके स्कूल की तरफ से, तो वहाँ पे एक स्टोर तो बंद था आज, पता नहीं क्यों, वैसे तो संडे को खुला ही रहता है बट पता नहीं आज बंद था। और दूसरे स्टोर में उन्होंने स्कूल के बुक्स नहीं रखे हैं इस बार, ये साल ऐसा उन्होंने बताए। फिर मिला नहीं तो फिर हमने ला लिए हैं मटका। अभी गर्मी आ रही है तो जरूरी है मटका, तो मटका टोटी वाला ना, मटका तो मटका लाए हैं टोटी वाला मटका। और उसमें मैं पानी भर के बाहर रख दी हूँ, वो रात भर अभी रहेगा, उसके बाद कल उसको फिर वो टोटी वाला मटका रात भर रहेगा, फिर फेंक के फिर नया पानी भर के फिर उसको यूज करेंगे, फिर उस तो उसमें पानी भर के कल उसको डिस्कार्ड करेंगे और फिर कल पानी भरेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो फाइनली मटका आ चुकी है गर्मियों के लिए, क्योंकि मेरे को साइनस है इसलिए मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मटके का जितना भी ठंडा हो मैं पी लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी फ्रिज का पानी अगर पी लूँ तो फिर सर्दी हो जाती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो मैं थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह ना अवॉइड ही करती हूँ। तो अभी फाइनली मेरा ठंडा पानी का जुगाड़ हो रखा है और घर में भी वही मटका यूज़ करते ज़्यादातर। ठीक है, फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आई होगा तो। और नए होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धमाकेदार भी। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ऑसम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, जय हिंद।